ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 71, 71 में आपको क्या केवल है कि ये एक सोलेनोइड है, इसमें करंट घूम के जा रहा है, एक मास, एक पॉइंट मास है, इसको हमने रिलीज कर दिया। तो जब इसको रिलीज किया तो इसमें फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगी, देखो सोलेनोइड में एक्सिस के अलोंग भी जनरेट हो जाएगा, और अगर एक चार्ज पार्टिकल एक्सिस के साथ मूव करता है तो बी क्यू वी साइन जीरो, तो बी की डायरेक्शन में जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट में डिस्कस किया था कि फोर्स एक्सपीरियंस इज बी क्यू वी साइन जीरो, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ मूव कर रहा है, इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स। तो इसका आंसर मैग्नेटिक फोर्स का जीरो ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू में ये गिवन है कि एक फिगर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस छोटा है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है एट अ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ के, जैसा कि इसमें गिवन है, एंड रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ वायर की लैम्डा है। तो लैम्डा का मतलब रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ। तो अगर मैं इसकी लेंथ से, इसकी सर्कमफ्रेंस से लैम्डा को मल्टीप्लाई करूंगा तो इस वायर की रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो द इंड्यूस करंट इसमें क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें, इसमें इस करने के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो स्टार्ट तो यहीं से होगा। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, बी इंटू एरिया, और बी इंटू एरिया में इसका एरिया पाई ए स्क्वायर, इसका एरिया पाई बी स्क्वायर, तो बी इंटू टोटल एरिया। और करंट क्या होता था, ई बाय आर। इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है, डी फाई बाई डी टी बाय आर। तो इसमें डी फाई या चेंज इन फ्लक्स जो भी होगा इसमें वो के टाइम्स, जो अभी ये रख के टाइम डी बी बाई डी टी के है, तो डी बी बाई डी टी में फ्लक्स की जगह पुट करेंगे बी इंटू एरिया। तो एरिया तो हमारे पास है, बाहर आ गया, और क्या बचेगा, डी बी बाई डी टी, और डी बी बाई डी टी की जगह क्या पुट कर दिया यहाँ पर सीधा के, एक स्टेप बीच में मिस कर दिया, फाई की जगह लिखो बी इंटू एरिया, एरिया बाहर आ गया, क्या बचेगा डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी की जगह क्या पुट कर सकते हैं के, तो के इंटू एरिया आ गया, और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इज सर्कमफ्रेंस ऑफ टू लूप्स, टू पाई ए प्लस बी, और इंटू रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। और इसी क्वेश्चन के अंदर अगर लूप थोड़ा सा इस तरीके से टेढ़ा हो, जैसा कि इसके अंदर टेढ़ा कर दिया, अब टेढ़ा करने से क्या हुआ, पहले सीधा था, करंट ऐसे घूम के आ रहा था मान लो, इसमें क्या हुआ, करंट ऐसे घूम के आएगा तो ऐसे इसमें उल्टा चेंज हो जाएगा, राइट। तो एरिया वेक्टर ढूंढने का तरीका क्या बताते हैं, एरिया वेक्टर ऐसे मिलता है, अगर करंट ऐसे आ रहा है एरिया वेक्टर बाहर है, अगर करंट ऐसे आ रहा है एरिया वेक्टर अंदर है, तो एक का एरिया वेक्टर अंदर हो जाएगा और एक का बाहर हो जाएगा। तो एरिया वेक्टर मान लो इसका अंदर है तो बी के साथ एंगल बनेगा जीरो, इसका एरिया वेक्टर बाहर है तो बी के साथ एंगल बनेगा 180, तो इसलिए 180 cos का 180 जो होता है वो -1 होता है, इसीलिए जो एरिया के अंदर, बाकी सारा क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है इसमें जो भी हमने किया, बस एक ही फर्क है, जब आप एरिया लेंगे, जब आप रादर फ्लक्स लेंगे, फ्लक्स के अंदर पाई ए स्क्वायर प्लस पाई बी स्क्वायर नहीं होगा, पाई ए स्क्वायर माइनस पाई बी स्क्वायर होगा, क्योंकि टोटल फ्लक्स पहले लूप का जो टोटल फ्लक्स है वो क्या आएगा, वो आएगा बी इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ लेट अस सपोज जीरो, और दूसरे का आएगा बी इंटू पाई बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कितना 180, कॉस 180 क्या होता है -1। तो याद रखना जब लूप ट्विस्ट हो जाएगा इस तरीके से तो माइनस आएगा, अगर एक तरीके से चलता जाएगा तो प्लस ही आएगा, राइट। तो बाकी एवरीथिंग इज सेम, कोई डाउट इसमें? सेम, बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसके अंदर वो कह रहा है कंडक्टिंग वायर फ्रेम है, इस प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, विच इज डायरेक्टेड इन टू द पेपर, तो बी बोर्ड के अंदर है, ये मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट, तो आपको बताना है इसमें क्या होगा। तो मैंने बताया प्लीज पहले ना इसे खोल लो, इसे खोल के एक रेक्टेंगल बना लो, ये तो ऐसे ही मोड़ा हुआ है, इसको खोलोगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। कैसे बनेगा रेक्टेंगल, तो इसके अंदर आप इस तरीके से एज्यूम करोगे इसको खोल के, तो ये डी और सी को तो नहीं टच करना आपने, लेकिन जो बी है वो ऊपर चला गया, ए अंदर आ गया, ऐसे, ठीक है ना। तो खोलेंगे तो ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो ऐसा खुल जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें बी क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, बी इसमें इंक्रीज हो रहा है, लूप नहीं चाहेगा, लूप बी बाहर कर लेगा, तो करंट इसमें कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इसमें करंट बी से ए है, लेकिन उसके अंदर ऑब्वियसली
बी से ए ही रहेगा वैसे तो, अगर आप ट्विस्ट भी कर दोगे तो भी आंसर सेम ही रहेगा, करंट थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली इसको जब ट्विस्ट करोगे तो करंट तो हर हालत में बी से ए ही जाएगा, वो ऐसे मूव करवा लो या ऐसे मूव करवा लो, वो बात एक ही है, तो आंसर बी से ए ही रहेगा और डी से लेके सी ही रहेगा। इसको ओपन करके आंसर दोगे ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक? इसको ओपन कर लो और अपना आंसर दे दो, एक ही बात है। तो जितने ट्विस्टिंग वाले क्वेश्चन है बेटर यही है कि आप उसे एक बार ओपन कर लो तो आंसर सही आ जाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, एक रेक्टेंगल जो है, ट्राइंगल जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, और ट्राइंगल जब नीचे आ रहा है और ये बाहर निकलेगा तो इसका प्रूफ थोड़ी देर में अभी आगे आएगा अगली शीट्स में, मैथमेटिकल इसको प्रूव किया गया है, पर अभी के लिए जब ये बाहर आएगा तो इसके एरिया, इसका एरिया पहले से, क्योंकि जैसे बाहर आता जाएगा एरिया वेक्टर कम 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 होता जाएगा, तो डी एरिया इज चेंजिंग, तो फ्लक्स की वैल्यू इसमें चेंज होगी क्योंकि एरिया इसका पहले इतना है, फिर बाहर आएगा इसका एरिया कम हो जाएगा, बी तो कॉन्स्टेंट है ना, तो इसमें डी ए बाई डी टी होगा, एरिया इज चेंजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट। तो एरिया इज चेंजिंग एट अ कॉन्स्टेंट रेट में करंट पहले ज़्यादा होगा, फिर एरिया कम 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 होता जा रहा है, करंट की वैल्यू फिर बिल्कुल लूप बाहर आ जाएगा और करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको थोड़ी देर में अगली शीट में आएगा, मैथमेटिकली इक्वेशन से भी प्रूव किया गया है, मैं आगे जाके सिमिलर ट्राइंगल से प्रूव भी करके दिखाऊंगा आपको ये, ठीक। पर अभी ज़रूरत नहीं है आपको, थोड़ा लंबा प्रूफ है, बट ये है कि इस तरीके से आप कर सकते हो वैसे, राइट। सो वी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में, 6 में देखो, इसके अंदर क्या क्या गिवन है कि एक करंट, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, कैरिंग करंट इन ऑपोजिट सेंस, दो लूप में करंट जो है वो ऑपोजिट सेंस में मूव कर रहा है, एंड ये दो लूप पैरेलल टू ईच अदर है, मूव क्लोज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो करंट इसमें इंक्रीज होगा। वो क्यों इंक्रीज होगा, देखो क्यों इसलिए इंक्रीज होगा, करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन है तो पक्की बात है आपस में क्या करेंगे, रिपेल, हमने मैग्नेटिक किया था, अगर करंट ऑपोजिट होता है तो रिपेल करता है, सेम डायरेक्शन का करंट अट्रैक्ट करता है तो वो रिपेल करेगा, आप जबरदस्ती उसे पास लेके आ रहे हो, वो चाहते हैं वो रिपेल लो, तो आप क्या कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, और जब आप वर्क डन कर रहे हो तो आपका वर्क डन किस फॉर्म में बाहर आएगा, इन द फॉर्म ऑफ करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आप अगेंस्ट नेचर काम कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में काम आएगा, तो करंट इसमें कम नहीं होगा, करंट इसमें उल्टा और बढ़ेगा, क्योंकि आप जबरदस्ती पास ला रहे हो और वो रिपेल होना चाहते हैं तो वो और करंट जनरेट करेंगे ताकि वो और रिपेल हो सके, तो इसलिए इसका आंसर रिपेल रहेगा, ठीक। इस क्वेश्चन के अंदर अ थिन सेमी सर्कल, ये एक सेमी सर्कल है, और रिंग ऑफ रेडियस आर इज फॉलोइंग इट्स प्लेन वर्टिकल इन अ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक इंडक्शन बी, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है विद द स्पीड ऑफ वी, देन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप अक्रॉस द रिंग इज इक्वल टू वॉट, तो मैं हमने डिस्कस किया था कि आपने ये गोल नहीं लेना, आपने सीधा लेना होता है सीधा, तो अगर आपने ये सीधा लेना है तो इज इक्वल टू बी एल वी का रिलेशन लगेगा, और बी इंटू लेंथ की जगह क्या पुट करेंगे, टू आर और इंटू वी, तो बी एल वी का फॉर्मूला तो लग गया। अब क्यू हायर पोटेंशियल पे कैसे होता है, आप इसमें इंड्यूस करंट देखते हो, ये रॉड अगर नीचे, ये रॉड की तरह ट्रीट करो, अगर ये नीचे गिर रही है तो बी कैसे है, बोर्ड के अंदर है, रॉड कहाँ गिर रही है, नीचे, फ्लेमिंग का रूल कहता है कि ये ऐसे जाएगा, तो करंट अगर ऐसे जाएगा रॉड में तो करंट जाता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्यू पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा हायर पोटेंशियल पे होता है, तो क्यू इज एट हायर पोटेंशियल, ठीक। तो कैसे सोचना समझ में आ रहा है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में ये रॉड है और अ कंडक्टिंग रॉड एम एन ऑफ लेंथ 2L मूव थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी एक्टिंग इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, द रॉड मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद अ वेलोसिटी ऑफ वी, ये फॉल कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड विल बी इक्वल टू व्हाट, तो इसको ऐसे जैसे मैंने इसमें किया है, इसकी बजाय ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर सपोज करो ये एक रॉड है और दिस इज एट एन एंगल ऑफ व्हाट, थीटा, और इसका वेलोसिटी वेक्टर कैसे है, इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, तो ये एंगल भी कितना है, ये थीटा, तो अगर ये थीटा और ये वी, तो वी का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, वी साइन थीटा, ठीक, और इसकी लेंथ कितनी है, 2L, और हमने क्लास में क्या सीखा था कि जो रॉड है उसका परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी देखा जाता है, तो EMF will be equal to B into length into V की जगह V sin theta, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, BLV sin theta से आंसर आएगा, तो अपने कंपोनेंट वेलोसिटी का कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर लेना है।
क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या गिवन है, एक रेजिस्टेंस आर और आर इस तरीके से गिवन है, ये रॉड है और रॉड वी वेलोसिटी से मूव कर रही है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि जहां रॉड मूव करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन की फॉर्म में आप क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं क्योंकि आपको इसमें करंट निकालना है क्या होगा, तो आप एक काम करें, आप इसकी जगह एक बैटरी लगा लें। बैटरी आपने लगाई कैसे, आर और आर ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरल में, तो आर और आर पैरल में एक रेजिस्टेंस, और इसकी जगह बी एल वी में कौन सा टर्मिनल ऊपर और नीचे होगा उसका लगाने का क्या स्टाइल होता है, आर इसमें फ्लेमिंग का रूल से करंट निकाल लें। बी बोर्ड के अंदर है, राइट हैंड थंब इधर जा रहा है डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, तो करंट कहाँ आएगा, ऊपर। करंट अगर ऊपर है तो ये वाला टर्मिनल क्या होगा, माइनस, और ऊपर वाला प्लस, क्योंकि इंड्यूस करंट मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसलिए नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव, ऊपर वाला प्लस, राइट। ठीक, उल्टा नहीं लगाना, बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, फ्लेमिंग के रूल से लगाना है। ये तो वर्चुअल बैटरी है, ऐसे तो फिर ऐसा कोई सोल्यूशन निकलेगा, बेसिकली कुछ नहीं किया, ये टर्मिनल यहाँ से उठाया माइनस और ये प्लस यहाँ से उठाया, बस इसको पास कर दिया, रहेगा तो ये माइनस प्लस ही ना हर हालत में। तो आप तो ये कह रहे हो कि सर करंट यहाँ से माइनस प्लस है लेकिन यहाँ से प्लस से माइनस जा रहा है, नहीं नहीं, जिस रॉड में जनरेट हो रहा है उसमें देखना है, यहाँ से नहीं देखना होता, तो जो रॉड मूव कर रही है इसी में लगाना है रूल, तो इसमें माइनस और प्लस ऐसे ही लगेगा। तो बस इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन हो गया, ईएमएफ होगी बीएलवी, और टोटल रेजिस्टेंसेस ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, इसकी अपनी रेजिस्टेंस आर है बैटरी की रेजिस्टेंस आर है, और आर और आर बाय टू किस में हो जाएंगे, इन सीरीज, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी ये वाली रेजिस्टेंस आर बैटरी की, यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट लगा के करंट कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक।